सरोवर नगरी नैनीताल में न्यू ईयर का जश्न मनाने जहां हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, तो वहीं कोरोना के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन पर्यटन और ओमिक्रॉन के खतरे से बचाव को लेकर कैसे सामंजस्य बैठाता है। हालांकि एसडीएम प्रतीक जैन ने कहा कि पर्यटन कारोबारियों को इस संबंध में बातचीत करने के लिए बुलाया था और बातचीत भी हो गई है और 31st का जश्न मनाने आए पर्यटकों को होटल के अंदर ही जश्न मनाने की इजाजत होगी। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड शासन ने नाइट कर्फ्यू जो लगा दिया है आने वाला 31st से, तो किस तरह काम प्रभावित होने वाला है? के हिसाब से तो 50% ही रह जाएगा। उसका रीजन ये है कि जो भी कस्टमर आता वो नहीं आएगा लॉकडाउन की वजह से, आदमी डरता अपने घर से निकलते हैं। और दूसरा रीजन ये है कि सर एक भीड़ भाड़ रहती थी, उसका काम ही अलग होता था। और 31st रात भी आदमी अपनी पार्टी करता है, ये करता वो करता है, लेट नाइट डिनर करता है, इसके लिए 31st में टूरिस्ट आता है। जब उसको वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो किसने नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी उत्तराखंड में, 31st भी आ रहा है, तो किस तरह व्यापारी देखते हैं इसको? 31st के परिप्रेक्ष्य में तो हमारे व्यवसायियों को काफ़ी नुकसान होगा, लेकिन इन जनरल जिस तरह से कोविड फैल रहा है तो उस पर मैं सरकार का निर्णय सही प्रतीत होता है। तो व्यापारी इसमें पक्ष में है? व्यापारी हाँ, थोड़ा सा दिल में पत्थर रखे तो व्यापारी तैयार होंगे। कितना नुकसान होगा और होटल व्यवसाय? ये 4-5 दिन तो 31st तक तो बहुत नुकसान होगा, बाकी उसके बाद तो सामान्य रहेगा पूरा। और कितना असर पड़ेगा इसमें? देखिए बिल्कुल सही बात है, उत्तराखंड सरकार ने कोविड स्पेशली ओमिक्रॉन वायरस के खतरे को देखते हुए नाइट कर्फ्यू घोषित कर दिया है, जिसमें रात को 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। उसी के अनुपालन में हम नैनीताल में भी नैनीताल प्रशासन और पुलिस 11 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू का अनुपालन डेफिनेटली सुनिश्चित करेंगे। लेकिन हम समझ सकते हैं कि अभी ये न्यू ईयर का टाइम है और बहुत ही अत्यधिक पर्यटक सीजन रहता है नैनीताल में, और सब लोग आना भी चाहते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं। यही टाइम है जब स्नोफॉल के भी चांसेस रहते हैं, तो काफ़ी अभी यहाँ पे जो टूरिस्ट इन्फ्लक्स है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको भी देखते हुए पर्यटन और कोविड किस तरह से हमें मैनेज करना है, हमने मीटिंग कर ली है और ये पुलिस को भी कम्युनिकेट कर दिया है, होटल एसोसिएशन को भी कम्युनिकेट कर दिया है कि जो न्यू ईयर सेलिब्रेट करने एक तरह से यहाँ पे पर्यटक